एक ही बुनियाद पर तैयार दो गाड़ियां जब एक साथ आई तो एक को थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी माना जा रहा था, कस्टमर्स कह रहे थे ये थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी लग रही है, थोड़ी जो दूसरी वाली है वो सीरियस नजर आ रही है। लेकिन अब वो काइगर और मैग्नाइट वाली कहानी थोड़ी सी बदलने वाली है, क्योंकि अब मैग्नाइट का कुरो एडिशन आ गया है। कुरो मतलब जापानीज में ब्लैक। और यहाँ पर आप पहली नज़र में ही समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्पेशल एडिशन है या अलग वेरिएंट है, जहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पूरी जो कहानी है उसे अब चमकते हुए ब्लैक में तब्दील कर दिया गया है। अब इसके फ्रंट को ही अगर देखें, फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक, हेडलैम्प के चारों तरफ आपको पूरा ब्लैक पैनल नज़र आएगा। इसके अलावा स्किड प्लेट यहाँ पर ब्लैक नज़र आएंगे और ओवरऑल जो फील है पहले ज़्यादा शार्प और नई सी ये लग रही है, ज़्यादा मीन लुकिंग मशीन भी लग रही है। इसके अलावा अलॉय का डिज़ाइन आप देखें तो अलॉयज जो है वो भी आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे। साथ में जो क्लैडिंग है यहाँ पर पूरी ब्लैक है। पिछले हिस्से में भी अगर आएँ तो वहाँ पर भी कहानी आपको पूरी ब्लैक नज़र आ रही है ऊपर से नीचे तक। तो एक्सटीरियर के लुक के हिसाब से मैं कहूँगा पहले से ज़्यादा एजी और स्पोर्टी दिख रही है मैग्नाइट। अंदर कहानी कुछ बदली है, लेट्स टेक अ लुक, चेक करते हैं। यहाँ पर मामला और भी ज़्यादा डार्क आपको नज़र आएगा। यहाँ जो बाहर ब्लैक या डार्क वाली फील दी गई है वो अंदर भी आपको अपहोल्स्ट्री के कलर में देखने को मिलेगी। और इवन स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप देखें तो वो जो फील है आपको पूरी डार्क सी नज़र आ रही है। कुछ एक इसमें एक्स्ट्रा आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, वो हम आपको फटाफट एक ग्राफिक्स के ज़रिए बताते हैं। तो डार्क एडिशंस कस्टमर्स को क्यों इतना पसंद आता है वो इस गाड़ी को देखकर साफ मुझे समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से काफ़ी अलग लग रही है, पर्सनालिटी भी इसकी अलग आपको नज़र आएगी। प्लस जो कुरो नाम है, यहाँ पर आपको इसकी बैजिंग भी देखने को मिलेगी। कुरो जो नाम है आई थिंक बहुत सारे जापनीज कल्चर के फैंस को और भी मामला पसंद आएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा एडिशन मैग्नाइट के पोर्टफोलियो में कंपनी ने किया है, विच माइट हेल्प देम नंबर्स के हिसाब से। ये कैसी लगी गाड़ी, ये डिज़ाइन या कलर थीम आपको कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।